देखिए, ये एक पुराना प्रोपोगंडा है बीजेपी का। आर्टिकल 19 का जिक्र उस एफिडेविट में किया गया, आर्टिकल 14 और 12 का जिक्र क्यों नहीं किया? आर्टिकल 14 और 12 भी, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लाइफ भी, हिंदुस्तानियों को भी और एलियंस रेफ्यूजीज को अप्लाई होता है। वो कहते हैं कि पॉलिसी डिसीजन है। क्या 2G प्रेसिडेंशियल केस सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया कि पॉलिसी डिसीजन को भी सुप्रीम कोर्ट अगर वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को क्वेश्चन करेंगे? तीसरा एफिडेविट में बात कही गई कि सिक्योरिटी का इशू है। हम ही बीजेपी से जानना चाहते हैं, बल्कि देश जानना चाहता है, ओवैसी तो छोटा आदमी है, देश जानना चाहता है कि आप कैसे महबूबा की तायद कर रहे हैं? जेएनके में आपकी सरकार है, वहां पर 5,700 रोहिंग्या रह रहे हैं और महबूबा मुफ्ती जिसकी सपोर्ट मोदी कर रहे हैं वो असेंबली में खड़े होकर कहती है कि 5,700 में एक भी रोहिंग्या टेररिज्म में इन्वॉल्व नहीं है, मिलिटेंसी में इन्वॉल्व नहीं है। बीजेपी ये क्यों नहीं कहती कि जयपुर में 700 रोहिंग्या रहते हैं, कितनों को आपने पकड़ा आईएसएस में, आईएसआई में, बताइए ना। और तीसरी बात हम पूछ रहे थे बीजेपी से, आप इसको मजहब के एंगल आईनक लगाकर क्यों देख रहे हैं? और इसकी मिसाल ये दे रहा हूं आपको कि अक्टूबर 2015 में इस बीजेपी मोदी सरकार ने फॉरनर्स एक्ट में अमेंडमेंट किया और कहा कि जो हिंदू बांग्लादेश और पाकिस्तान से, जो सिख हो, ईसाई हो और पारसी हो, अगर हिंदुस्तान को आता है पासपोर्ट के साथ या किसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट के साथ या फिर एक्सपायरी पासपोर्ट के साथ आता है तो हम उसको एग्जेम्पशन देंगे फॉरनर्स एक्ट में। आप अपना हिंदुत्व का आइडियोलॉजी इंप्लीमेंट कर रहे हैं और मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। अब बताइए आप, ये आपने क्या नहीं किया? 2015 में आपने नोटिफिकेशन जारी क्या नहीं किया? तो ये सब चीजें हैं। और अगर कोई पकड़ा जाता है तो आप रेगुलर उसको मॉनिटर करिए, सिक्योरिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। क्योंकि माजी में तमिलनाडु में जब श्रीलंका के टेमिलियंस रह रहे थे तो वहां पर भी ये ऐसा मसला उठा सिक्योरिटी का, तो उनको उठाकर एक सिक्योर कैंप में कई दिन तक, महीनों तक रखा गया। वैसे करिए आप, कौन रोक रहा है आपको? सर आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, यहाँ भारत सरकार की बात हो रही है और संप्रदाय के एंगल तो आप दे रहे हैं। अरे भाई सरकार में तो बीजेपी है ना, मेरा आप कानून सम्मत काम। अरे भाई बीजेपी सरकार ने तो एफिडेविट डायल किया है ना, मोदी प्राइम मिनिस्टर है ना, मोदी इंडिया तो नहीं है ना। जिस दिन मोदी इंडिया बन जाएंगे तो फिर बहुत मुश्किल इमरजेंसी हो जाएगी। जब कहा था किसी ने कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, क्या आप कह रहे हैं कि मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी? नो, मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बट हिज पार्टी इन पावर इज बीजेपी। ये बीजेपी का एक्शन प्लान है। आप क्या समझते हैं कि 19 के बाद क्या होता है, जब बात करेंगे उस बारे में।